तो गाइस आज हम अनबॉक्स करेंगे Realme Narzo 10A। सबसे पहले इसके रैप को निकाल लेते हैं। तो गाइस ये है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। इसके अंदर आपको एक सिम इजेक्टर टूल और कुछ पेपर वर्क देखने को मिलते हैं जो हमारे किसी काम के नहीं हैं। तो इसके सिम इजेक्टर टूल को अलग कर लेते हैं ताकि सिम ट्रे आपको दिखाने में काम आएगा। तो ये रहा हमारा डिवाइस जो मैंने ब्लू कलर में मंगवाया है, जिसे रियलमी सो ब्लू कहती है। यहाँ पे आपको माइक्रो यूएसबी केबल, टेन वाट का चार्जर देखने को मिलता है। तो चलिए डिवाइस के रैप को निकाल लेते हैं। तो इसे साइड में रखते हैं, डिवाइस को बूट करते हैं। तब तक उससे पहले आपको डिवाइस का एक व्यू दिखा देता हूं। यहाँ आपको फ्रंट में 6.5 इंच का आईपीएस डिस्प्ले देखने को मिलता है। बैक साइड में आपको ट्रिपल कैमरा प्लस फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है। लेफ्ट साइड में आपको वॉल्यूम रॉकर्स और सिम ट्रे देखने को मिलता है। राइट साइड में पावर बटन और नीचे की तरफ आपको स्पीकर ग्रिल, माइक्रो यूएसबी पोर्ट और हेडफोन जैक देखने को मिलता है। तो इसके सिम ट्रे को निकाल के देखते हैं कि इसमें ट्रिपल स्लॉट है या नहीं। जी हाँ, इसमें आपको डबल सिम प्लस मेमोरी कार्ड एक्सपेंड करने का ऑप्शन मिलता है। तो चलिए डिवाइस को ऑन करते हैं। जब तक ये ऑन होता है, इसके सेटअप कंप्लीट करके मैं आपको आगे मिलता हूँ। तो गाइज यहाँ पे आपको Realme UI देखने को मिलती है। तो चलिए अब इसके सेटिंग में चलते हैं। तो गाइज यहाँ पे आपको MediaTek की तरफ से Helio G70 देखने को मिलती है। मैंने ये 3GB 32GB स्टोरेज वाला मंगाया था, तो यहाँ पे आपको अवेलेबल 32GB में से 19GB अवेलेबल दिखा रहा है। इसमें आपको एंड्रॉयड वर्जन 10 देखने को मिलता है। तो चलिए इसके कैमरा को टेस्ट किया जाए। फर्स्ट लुक में तो कैमरे की क्वालिटी अच्छी दिख रही है। तो चलिए एक पोर्ट्रेट मोड में भी क्लिक करके देखा जाए। तो पोर्ट्रेट मोड में मैंने ये क्लिक कर लिया, तो देखते हैं कैसे आया है फोटो। तो गाइस बैकग्राउंड में इनफ ब्लर है और सब्जेक्ट पे इनफ डिटेल है।
तो चलिए एक सॉन्ग प्ले करके देखा जाए। तो यूट्यूब पे एक सॉन्ग प्ले करके देखते हैं ताकि इसके साउंड क्वालिटी भी चेक किया जाए। तो गाइस जिसके साउंड क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो ये वीडियो आज के लिए यहीं तक, फिर होगी मुलाकात अगले वीडियो में। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।